दोस्तों रफाइल फिजीव ने पिछले संडे को रफाइल डोसानियर्स को हरा दिया यानी कि रफाइल ने रफाइल को हरा दिया एक बहुत ही अच्छी फाइट फाइव राउंड फाइट और जब ये फाइट हो रही थी सो मुझे लगा उस टाइम पे कि आगे चल रहे हैं फिजीव थोड़े से आ, शायद पहले तीन राउंड वो जीत रहे थे फोर्थ राउंड आई एम नॉट श्योर बट फिर भी वो वो फाइट आराम से जीत रहे थे पर अल्टीमेटली उन्होंने फ़ाइट फिनिश की हुआ है नॉकआउट और ये उनकी छठी विन है सिक्सथ सिक्स फाइट विन श्रिक उनके पास अब है यू के अंदर इन लाइटवेड डिविज़न एक बहुत ही अच्छी बात है ये इस टाइम पे दो डोसा थे नंबर सात रैंक पे रफाइल नंबर ग्यारह रैंक पे नंबर दस रैंक पे और अब जो नई रैंकिंग आएँगी कल यानी कि ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली वो शायद नंबर सात या नंबर आठ तक पहुंच जाएंगे सर नॉर्मली होता है कि अगर आपने हराया है किसी बड़े रैंक वाले फ़ाइटर को तो आपको उसका रैंक मिल जाता है कोई सर रूल नहीं है बट ऐसा लग ऐसा होता है ज़्यादातर तो मोस्टली वो नंबर सात नंबर आठ रैंक पर पहुँच जाएंगे और इसका मतलब ये है कि अब जो फाइट्स नेक्स्ट हैं उनके लिए वो बहुत टफ हैं। आई मीन यू एस की जो ये डिवीज़न है यहाँ पे नंबर दस के ऊपर जाते ही यू नो आपके पास सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टफ हैं जिनसे फ़ाइट करना हालांकि उन्होंने कहा कि वो फाइट करना चाहेंगे अगेंस्ट जस्टिन गेची जो कि बहुत ही अच्छी फ़ाइट है और फ्रैंकली इस टाइम पर गेची को ऐसी ही फाइट्स की ज़रूरत है uh, गेची की जो लास्ट लॉस थी अगेंस्ट ओलोवेरा उसके बाद वो लगभग यू नो बहुत कम उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए बहुत कम उन्होंने यू you नो know, बातें विध मीडिया एंड अदर रिपोर्टर्स और अब जब वो लास्ट वीक जब या दो हफ्ते पहले जो कि हॉल ऑफ़ हॉलफे सेरेमनी थी जहाँ पे हबीब को और डेनल गर्मिये को यू you नो know, इंडक्ट किया गया वहाँ पे वो थे उस सेरेमनी में एज ए गेस्ट और वहाँ पे उनसे कुछ लोगों ने बात की काफ़ी एनर्जी में एनर्जी में से वो बात कर रहे थे वो लगा नहीं वो बहुत परेशान हैं और उन्होंने ये बात कही कि मुझे कम से कम दो या तीन फाइट और चाहिए इससे पहले कि मैं फिर से फ़ाइट करूँ बेल्ट के लिए ही स्मार्ट ऑब्वियसली वो सही भी हैं बिकॉज बहुत कम चांस मिलता है तीसरी बार फाइट करना बेल्ट के लिए तीन बार फाइट करना बेल्ट के लिए बहुत कम ऐसा होता है अंटेल्ला साहब बहुत बड़े स्टार हो या कोई मजबूरी होगी उसी की आ, लेकिन यू you नो know, ये ऐसी डिवीजन है जहाँ पे पॉसिबल है कुछ भी और इस टाइम पे गेची के लिए शायद ये फाइट शायद सेंस करती है बिकॉज़ जो टॉप सिक्स रैंकिंग है वहाँ पर कोई ऐसा नाम है नहीं इस टाइम पर जो कि शायद उनसे फ़ाइट करेगा मगर शायद नेक्स्ट करेंगे फाइट बेल्ट के लिए आपके पास पोरिए हैं जो कि शायद फाइट करना चाहेंगे मे बी नेक्स्ट डिवीज़न वन सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सेवेंटी डिवीजन में या फिर अगेंस्ट यू नो किसी ऐसा फाइटर जो कि बहुत एक फन फाइट हो आई डोंट थिंक कि वो फाइट करेंगे अगेंस्ट गेची so, मेरे हिसाब से ये एक उनके लिए परफेक्ट फाइट है uh, इस फाइट को छोड़ के मेरे हिसाब से जो एक और फ़ाइट जो उनके लिए सेंस करती है वो है अगेंस्ट बनील दरियुश बनील दरियश का नाम अब तक चल रहा था कि वो फाइट करेंगे नेक्स्ट इस्लामा कचेफ के साथ बट अब लग रहा है कैसा कि, कि वो फाइट नहीं होने वाली और आई थिंक जो अब ओवरऑल जो चल रहा है आजकल कि शायद मगदे फिरंगे फाइट या तो ओलवेरा के साथ या फिर चाहे जो भी नेक्स्ट हो वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए मे बी शायद ओलवेरा फाइट नहीं करेंगे बेल्ट के लिए नेक्स्ट सो अगेन डिफरेंट वीडियो टॉक लेटर बट येस गेची के लिए सेंस करता है कि वो फाइट करें अगेंस्ट राफेल फजीफ एक और बहुत ही अजीब बात यह है कि इस टाइम पे uh, हालाँकि यू एस आगे बढ़ रही है और बड़ी फाइट्स बुक कर रही है गेची एक फैन फेवरेट है बिकॉज uh, चाहे जो उनका स्टाइल ऐसा है जो कि उनकी हिस्ट्री ऐसी है जब भी फाइट करते हैं एक अलग सा माहौल बनता है फिजीव इस टाइम पर आगे बढ़ रहे हैं उनके पास छः फाइट की विन स्ट्रीक है फिजीव के पास बहुत कुछ पाने को है अगर वो हराते हैं गेची को राइट बिकॉज ऑब्वियसली वो आगे बढ़ रहे हैं नीचे रैंक से आगे आगे जा रहे हैं और यहाँ पे हराना गेची को एक बहुत बड़ी बात होगी फ्रैंकली और इतनी बड़ी बात होगी शायद कि हम <laughs> ये कह सकते हैं कि एक फाइट और और वो शायद हम बात करें यहाँ दिस गाई इज़ नेक्स्ट फॉर द बेल्ट क्योंकि ये ये डिवीज़न ऐसी है यहाँ पे अगर आप नंबर छः नंबर सात रैंक पे हैं दो विन के साथ आप रेडी हैं फाइट करने के लिए बेल्ट के लिए अंटरनल्स आपका लक बहुत ख़राब है जस्ट लाइक टोनी फर्गसन आप रेडी हैं बेल्ट के लिए सो दिस इज़ अ गुड फाइट फ्रैंकली और मैं चाहूँगा ये फाइट बुक हो uh, बात करें फिर से फिजिक के बारे में तो वो कुछ बात कर रहे थे अगेन विद कॉर्नर की यू you नो know, जो किक है वो कैसे वो बचते हैं कैसे करना चाहिए आई थिंक कॉर्नर की जो नज़र है वो हमेशा रहती है अपने कमिंग फाइटर्स के ऊपर वो हमेशा वो देखते रहते हैं कि कॉनफाइटर जो आगे पढ़ रहा है और मे बी पॉसिबल है कि कुछ इंटरेस्ट हो वहाँ पे तो वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे कॉर्नर ने यू नो एंगेज किया फिजीव को फिजीव ने कहा था कि आप आइए साथ में ट्रेन करेंगे वगैरह वगैरह बट कॉन ने कहा नहीं बट इंटरेस्टिंग स्टफ़ यू नो फिजीव हालाँकि इस टाइम पे जस्ट उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री थी अभी, अभी अगेंस्ट राफेल टोरोसानियोस बट आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है उनके लिए बिकॉज अब तक वो उनके पास सिर्फ एक ही लॉस है उनकी पहली फाइट थी यू में वो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर जब वो आगे बढ़ेंगे फैंस के लिए शायद एक बहुत बड़ी बात होगी कि वो उन्हें देखें फाइट करना अगेंस्ट गेची एंड देश वाइट ए गुड फाइट एनी वे दोस्तों ये था मेरा वीडियो फॉर राफेल फिजीव ग्रेट विक्ट्री एंड आई थिंक जो नेक्स्ट फाइट होगी उनके लिए वो बहुत बड़ी होगी है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बाय बाय